हम कानूनी से लड़ रहे थे, गुंडे नहीं, नहीं, ठीक है ठीक, दो लोगों का और खाना बढ़ा दीजिए, खाना बढ़ा दीजिए, हम इनके साथ दबंगे नहीं कर रहे, हम इनके साथ मान ले की सोसाइटी में मान ले की बहुत अच्छे ढंग से कानूनी तौर से मैं इनसे लड़ रही थी कि कानून जो फैसला देगी, जो न्यायालय फैसला देगा वो हमारा आपका समझौता होगा, बाकी ये ना कानून के उल्लंघन करके हमारे साथ गुंडे ही माफिया ही कर गए। इसके लिए योगी जी सोए हैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं कि योगी जी सोए हैं, ये जिस तरीके की हरकत है ना, कोई भी सरकार रही हो, योगी जी की रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, कोई भी सरकार रही हो और कोई भी प्रदेश रहा हो, ऐसी घटनाएं होती ही हैं। अब हर चीज पे तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे सामने जो एक घटना है, कम से कम इसके बारे में तुम सरकार से गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो, जो करना हो करो। कि और वो चीज इसलिए कि जो पावरफुल लोग हैं उनके यहाँ भी ये गई है जैसा ये बता रहे हैं, हाँ हाँ, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और समझिए कि ये कुछ सोच के मेरे पास आई है, तो मेरा हाँ, ये फर्ज बनता है कि ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नेताजी लोगों के पास ही होकर आ चुकी है और अब ये अंतिम रूप से अगर यहाँ आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पब्लिक फ्रंट पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं। छोड़ के ना भैया, हाँ? तो जितने जितने लोग की मैं गई हूँ पास में, सब लोग देखेंगे कि हमारे पास ये महिला आई है। रवि किशन के पास गए, निरहुआ के पास चले गए, विधायक है कौशमी वो सदस्य है वो, और क्या बोलते हैं विनोद सोनकर उनके पास भी गए, रागनी सोनकर मछली शहर के विधायक है उनके पास गए। तो उन लोगों का क्या कहना है, क्या उन लोगों का कहना है? रागनी सोनकर ने थोड़ा हमारी हेल्प की, वो बोली मुख्यमंत्री को मैं सदन में दी, सदन में बात की हूँ, आपके कार्रवाई होगा, बाकी आज तक नहीं हुआ। 15 तारीख को मुझे बताए कि किरण आप परेशान मत जी, हम दिए हैं, अब सरकार उन्हीं के है, हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। 20 तारीख को हमको ये बताया, 15 को सदन में बैठक था। मैं देखिए ये बहुत मजबूर होकर के मेरे पास आई है और मैंने इनको बताया अभी कि देखिए मैं, मेरे पास बहुत पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, यही मेरे पास इतना ही है। तो मैंने भी इनको बता रखा है, करेंगे वही लोग जिनको करना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सिवाय इसके कि मैं इनकी बात आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो अगर आपको और कोई बात लगता हो जो आपको लोगों तक बताना चाहिए, आपके साथ जो सारी भी चीजें हुई हैं आप बताइए, वो बात पहुंच जाएगी लोगों तक। मैं तो यही कहेंगे कि हमारा घर हमको दिलाया जाए, हमारे बच्चे को लेकर हमको रहने का गुजर बसर करने के लिए। आपके जो जानवर थे, बकरी गाय मुर्गी, बकरी थी हमारी, दो गैया थी, 25-30 मुर्गी मुर्गा थे।